नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एएम लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। किसी भी इमेज का अगर बैकग्राउंड हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, या फिर किसी भी इमेज को पीएनजी फाइल में कैसे बनाएं कि उसको पीएनजी बनाने के बाद में कहीं भी उसको पोस्ट करना चाहें, किसी भी पिक पे लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। तो इस संबंध में ये वीडियो लेकर आए। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, कहीं भी बीच में मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। प्ले स्टोर में जाइएगा, आप टाइप कर दीजिएगा बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर टाइप पर सर्च कर दीजिएगा। जिस टाइप पर सर्च करेंगे आपके सामने कई एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर जिसका रेटिंग दिखाई दे रहा है 4.6 रेटिंग, जो लिखा हुआ बैकग्राउंड इरेजर, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। फिर जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको, जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा, मैं वहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मेरे में बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जिस फोटोज को आप पीएनजी बनाना चाह रहे हैं, तो जिस फोटोज को आप बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, उस फोटोज को चूज कर लीजिए। जो लोड ये फोटो लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जिस फोटोज का बैकग्राउंड हटाना चाह रहे हैं, फोटोज चूज कर लीजिए। मान लीजिए मेरा एक सबसे फर्स्ट पे ही फोटोज दिख रहा है रेड टी शर्ट में, मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। ये फोटोज आपके सामने आ गया। मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड हटा दूँ, और हटा के कोई दूसरा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड हटा दूँ और पीएनजी फाइल में इसको कन्वर्ट कर दूँ। कहीं भी मैं चाहूँ तो इस फोटोज को किसी भी फोटोज पे लगा सकता हूँ। तो चलिए हम बताते हैं। फोटोज को मैंने चुन लिया, इसको क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप भी कर सकते हैं, या फुल स्क्रीन पर भी लग सकते हैं। थोड़ा क्रॉप कर ले रहे हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर डन, ऊपर जो राइट साइड में डन वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर ये हमारे एप्लीकेशन के मेन पेज में आ जाएगा, जहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करना है। ये वाइट वाइट सब दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा ब्लैक करने के लिए बीजी कलर पर कर दे रहा हूँ, कर दिया। इससे ये पता चल जाएगा कि हमको कौन सा है जिसको बैकग्राउंड हटाना है। दो तरीके से हटा सकते हैं। पहला जो है मैनुअल पर क्लिक करके, हम मैनुअल पर क्लिक किए हैं, यहाँ पर खुद हटा सकते हैं ऐसे ऐसे। अगर ऑटो हटाना चाह रहे हैं तो ऑटो पे क्लिक कर देंगे। ऑटो पे करने के बाद में इसको जहाँ बैकग्राउंड में जिस जगह पे भी हटाना उस पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, वो हट गया। इसको लेके जाकर इधर कर देंगे, इधर भी हट जाएगा। फिर इधर कर देंगे, ये भी इधर भी हट जाएगा। इधर कर देंगे, इसको जहाँ जहाँ पे हटाना उस पे जाकर कर देंगे बीच वाला। इस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड हट चुका है दोस्तों। थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, हट चुका है, देख पा रहे दोस्तों। और फिर भी कुछ जो छूट चुका है, वो मैनुअल पे क्लिक करने के बाद में हम खुद से इसको अपने हाथ से भी कर सकते हैं, इसको मैनुअल साफ कर सकते हैं जो अच्छे से। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ, वरना मैं अच्छे से इसको कर देता। फिर इसको कर देंगे इसी तरीका से, फिर इसको वाइट क्लिक कर देंगे, ये हो गया। जब इसी पर रहने दे रहे हैं, जब इस तरीका से आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाए, तो जो ऊपर डन वाला पे है, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो डन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जिसे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। फिर नीचे जो 1 0 लिखा हुआ, 2 3 4 5, ये ऐसा लिखा है कि अगर 1 पर रखेंगे तो जितना आपने क्लियरिटी किया था उतना ही है, 2 पर करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, 3 पर करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। फिर जब आप कर लीजिए, करने के बाद में राइट साइड में ऊपर जो सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। जिस सेव वाले बटन पर करेंगे, आपका ये सेव हो चुका। फिर फिनिश पर क्लिक कर दीजिए, फिनिश पर क्लिक करेंगे आपका हो चुका। ये तो दोस्तों जो बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट था आपको दिखा दिए थे। अब मैं दूसरा फोटो दिखा दे रहा हूँ कि किसी भी फोटोज को मैं कर सकता हूँ। इसी का रख ले रहे हैं, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कट कर दे रहे हैं, आसान रहेगा। मैंने कर दिया, फिर थोड़ा ब्लैक कर ले रहे हैं पीछे, बीजे पे क्लिक कर दिया। मुझे ऑटो करना है, मैंने ऑटो पे कर दिया, फिर बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। देख पा रहे दोस्तों, ये हट रहा है। अब जहां जहां भी हटाना चाहे उस पे ले जाके उसे कर दीजिएगा, हट जाएगा। मेरे पास तो टाइम नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना
मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी तरीके से कर लीजिएगा। फिर भी कुछ चीज़ें इसमें बच गया है, तो ये ऑटो जो मैनुअल है, मैनुअल पर क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिएगा, इसको जूम कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से इसको साफ कर लीजिएगा। देख पा रहे दोस्तों, ये पीएनजी भी हो गई, जिसको आप जिस इमेज में लगाना चाहे कहीं भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहेगा। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, आप चाहे तो बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी फोटोज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, अच्छे से साफ कर सकते हैं। जब इस तरीके से हो जाए, फिर ऊपर राइट साइड में जो डन वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा, क्लिक लगा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से दूसरा फेस आ जाएगा, फिर नीचे 01 2 3 4 5 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि एक पर करेंगे तो जितना आप क्लियरिटी आपने वहाँ पे किया उतना ही शो करेगा, दो पर करेंगे थोड़ा और साफ हो जाएगा, तीन पर करेंगे और साफ हो जाएगा, चार पर करेंगे और साफ हो जाएगा, पांच पर करेंगे और साफ हो जाएगा, वो साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देख पा रहे हैं, अब ये पीएनजी हो गया। आप किसी भी फोटोज पे ले जाकर इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब फिर ऊपर राइट साइड में जो सेव वाला है, सेव पर क्लिक, इस पिक को आप सेव कर लीजिए। इस पिक को ये सेव हो चुका है दोस्तों, देख पा रहे हैं, इसको आप क्लिक करके सेव कर लीजिए और ऊपर राइट साइड फिनिश कर दीजिए, फिर आप उसी पेज पे आ जाइएगा। तो इसी तरीके से किसी भी फोटोज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं या किसी फोटो को आप पीएनजी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको किसी भी पिक पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगर कोई लेटेस्ट वीडियो अच्छा अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।